तो भाइयों, आज जहां हम खड़े हैं रायपुर में केएस रियल वैल्यू, जहां आप डिमांड कर रहे थे कि यहां का ट्रक दिखाइए डीजे के लिए हो सके, या फिर आपको लंबे से लंबे फीट में चाहिए होता है, 14 फीट का, 22 फीट का, 20 फीट का, पूरा एक एक लाइन से देखिए, तो यहां आइसर का मिलने वाला है, SML का है, 5252, यहाँ तक 407 पिकअप भी है। इधर देख सकते हैं आपको ये मिलने वाली है, अपना टाटा की है 709, साथ ही SML है, और इधर भी देख सकते हैं आइसर का, अशोक लेलैंड का, उधर फिर से SML की, तीन पूरा 5252 पूरा लाइन से खड़ी, सम्राट है आइसर की, और उधर दो सकते हैं टाटा की देख सकते हैं। ये जो भी चाहिए होगा इसमें से आपको, तो अभी हम सौरभ भैया के माध्यम से पूरा एक एक दिखाने वाले हैं, तो एंड तक देखना, और चैनल पे नए होगे तो चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन करे रहेंगे तो मैं आपको वीडियो अपलोड करते सबसे पहले वीडियो में मैं दिखूँगा, और आपको मनपसंद यहाँ जो भी ट्रक लेना होगा आपको मिल, और अभी जो बस का डिमांड बहुत है तो आपको बस लेना होगा भी स्कूल के लिए, वो भी है यहाँ, आपको मिल जाएंगे 2-3 बस है। तो चलो सौरभ भैया को बुलाते हैं, और इंस्टाग्राम में जाइए तुरंत ही फॉलो कीजिए, आपको नंबर यहाँ का चाहिए होगा तो ब्लॉग चित्रा सर्च करना, मेरा आईडी आपको मिल जाएगा। तो चलो सौरभ भैया को बुलाएंगे और पूरा एक एक डिटेल्स देते हैं। तो सौरभ भैया आज क्या दिखाने वाले? आज और ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाएंगे। ज़्यादा गाड़ियाँ क्या क्या है आज? आज बहुत वेराइटी है, 10 टन 12 टन, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, आइसर, टाटा, लीलैंड सब। और यहाँ फाइनेंस की क्या रहती सुविधा? फाइनेंस की सुविधा सब जगह से है। और किसी को जैसे बुकिंग कराना हो तो कितना देना पड़ता होगा बुकिंग के लिए? 20,000 रुपये। 20,000 में बुकिंग हो जाता है, और बाकी जो है वो फाइनेंस वगैरह का अलग से रहता है, और जो नाम ट्रांसफ़र वगैरह पूरा इंक्लूड वो अलग रहता है? अलग रहता है। और कोई अदर स्टेट से लेना चाहे तो वो भी ले सकता है? वो भी ले सकते हैं, नाम उसमें नहीं होगा फाइनेंस? फाइनेंस उसमें उधर ही से होगा, चोलामंडलम से। तो चोलामंडलम से फाइनेंस, अगर उनका चोलामंडलम में रिकॉर्ड अच्छा है और उनकी गाड़ियां सब किस्त टाइम से पटी हुई हैं तो फिर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन इधर से, आइसर से। 8.5 टन पासिंग है, 18 मॉडल है। 18 मॉडल कितना चला होगा? हार्डली 40,000। 40,000 क्या डिमांड है? 11.5 लाख पासिंग। 8.5 टन पासिंग। पासिंग कहाँ का है? CG04 रायपुर का, लगभग यही लोकल ही रहता होगा? नहीं, बाहर की भी है। बाहर की भी रहती है ये। इसमें नेगोशिएबल है प्राइस में? थोड़ा ही, थोड़ा ही। इसके बाद देखेंगे अपना है आइसर कस 11-10-59। ये है 3 टन की पासिंग, 3.5 टन, 10 फीट मॉडल, 2019 का है, इंश्योरेंस नया, फिटनेस अभी अभी बनवाया है। ये अपना, ये भी रायपुर की पासिंग, कितना चला होगा ये? ये 88,000। 88,000 क्या डिमांड रखे हैं इसकी? 8.5। 8.5 ये भी फिक्स तो रहता नहीं होगा प्राइस तो? इसके बाद देखेंगे SML कौन सा, ये टर्बो? नहीं टर्बो, ये 52 है। अच्छा 52 है, 9 फिट है, 2.5 टन, 2.5-3 टन सॉरी, और 2017 मॉडल। और अपना डिमांड है इसमें महाराष्ट्र नंबर है, सेजी नंबर करके देंगे, 6.5 लाख। 6.5 लाख न्यू में कितना आता होगा ये? 12 लाख। 12 लाख कितना चला होगा ये? 87,000। इसके बाद देखेंगे टाटा का 407 पिकअप, बताइए कौन सी मॉडल होगी? ये है 17 मॉडल, 9 फीट, 2.5 टन पासिंग, MP है, CG04 करके मिलेगा, और इसकी डिमांड है 6.5 लाख। 6.5 लाख 6 लाख 6 लाख कितना चला होगा? ये चला है 1,06,000। अच्छा 1,06,000 ठीक, बाकी ये पूरा ओके है, कंप्लीट, कुछ खर्चा नहीं। इसके बाद देखेंगे आगे। अब बताओ सौरभ भैया कौन सा है? ये है 17 फिट, 2018 मॉडल, कंटेनर बॉडी, 709। कितने चक्के का रहता होगा ये? 6 चक्के की। 6 चक्के का, 48,000 किलोमीटर मात्र चली है, टायर टप्पर पेपर सब ओके है, सब करके अपने को ये पड़ेगी 9.25 लाख। 9.25 लाख पासिंग तो रायपुर ही है, मतलब लगभग जैसे ये भी यूपी पासिंग थी, CG04 हो गया, का मिल के देंगे ना वैसे? CG थी, हो गया। क्या था इसका रेट, क्या बताए? 7.9। इसके बाद है ये है महाराष्ट्र पासिंग वाली, 14 फीट की माजदा, और 2018 मॉडल है ये भी, इसका MH पासिंग है, CG04 करके। अच्छा। नया पेपर करके आपको ये पड़ जाएगी 8.5 लाख। 8.5 लाख कितना चला होगा ये? ये 48,000। बाकी प्राइस तो नेगोशिएबल रहेगा। इसके बाद देखेंगे ये है अपना प्रो,
14 आईशर की 11-14 है, 22 फीट मॉडल है, 10.25 टन पासिंग है, 2018 मॉडल है, आगे के दो टायर ओके हैं, पीछे के 4 टायर भी वर्किंग कंडीशन में है। अगर यही पायर इसी कंडीशन में इसी टायर में नए पेपर के साथ सितंबर तक के पेपर है इसमें और ये गाड़ी चली है अपनी 1,07,000 इसको अपन दे देंगे 13.5 लाख में। अगर नया टायर डलवाएंगे तो जाएगा 14 लाख। अच्छा, नया टायर के साथ 14 लाख। इसके बाद है असर ये है अशोक लेलैंड की इकोमेट 10.25 टन पासिंग, CG10 है, बिलासपुर पासिंग है, ये 2 लाख किलोमीटर चली है, 6 टायर ओके हैं, पार्टी की गाड़ी है, लाइन में चलती थी, कच्चे माल में अपने को ये पड़ जाएगी 14 लाख की नए इंश्योरेंस के साथ। नए इंश्योरेंस लगभग ओनर तो सेकंड ही रहते होंगे, है ना। इसके बाद है सेम और दिखाए थे ना, ये भी महाराष्ट्र पासिंग की 52-52 है, 2.5 टन पासिंग है, 17 का मॉडल है, नया पेपर करा हुआ है, CG नंबर करके, ये अपने को पड़ेगी 6.5 लाख। 6.5 लाख कितना चला है ये चली है 55,000। अच्छा, इसके बाद है सम्राट, ये है माजदा की सम्राट MH पासिंग, 19 फीट की है, 2016 मॉडल है, इसका पासिंग है 7.5 टन और 2 लाख किलोमीटर चली है, मार्च 22 तक का इंश्योरेंस, 1 साल का इंश्योरेंस, 2 साल का फिटनेस, ये अपने को पड़ेगी 7.5 लाख। 7.5 लाख पासिंग तो आप CG करके देंगे, CG04 करके। इसके बाद ये है, ये है अपना CG04 सरताज SG72, 12 फिट का डाला है, 17 मॉडल है और पेपर इसमें ऑलरेडी ओके हैं, अपनी ये गाड़ी चली है 1.5 लाख किलोमीटर और अपने को ये पड़ेगी 8.5 लाख। 8.5 लाख पासिंग अपना यही रायपुर CG04। ये है सबकी चहेती 1100 टाटा 8-10 पासिंग, 19 फिट डाला, 6 टायर पेपर ओके और 15 मॉडल, ये अपने को पड़ेगी 8.25 लाख। कितना चला होगा ये? 88,000 चला है पासिंग राजनांदगांव। अच्छा, कितना है लास्ट क्या प्राइस इसका? 8.25 में। इसके बाद देखेंगे अपना ये है DI टाटा का योद्धा 1.7 टन, CG29 पासिंग है, अगर आपको कहीं की NOC चाहिए तो मिल जाएगी, नया इंश्योरेंस फिटनेस करके अपने को ये पड़ेगी 6.25 लाख। 6.25 लाख में नए में क्या पड़ता होगा? ये पड़ता है 10 लाख, 8.5 लाख। 8.5 लाख पासिंग कहाँ आता होगा? CG29 सूरजपुर। कितना चला है यार? 29,000 किलोमीटर चला। इसके बाद है ये टाटा 260 DI 2012 मॉडल, ये चली है 3,32,000, इसमें नया पेपर करके ये अपने को पड़ेगी 3.25 लाख। 3.25 लाख में ये ओनर तो सेकंड ही होंगे दोनों। इसके बाद देखेंगे आगे, बताओ ये कौन सी? ये है टाटा की इंट्रा 2020 मॉडल, नया इंश्योरेंस फिटनेस करके ये अपने को पड़ेगी 5.5 लाख। 5.5 लाख कितना रनिंग हुआ होगा? ये रनिंग हुआ है, लिखा नहीं है, अराउंड हुआ होगा 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार ओनर फर्स्ट हो गई? फर्स्ट ओनर। इंश्योरेंस भी होगा अभी तो इसमें? नया फिटनेस, नया इंश्योरेंस। अच्छा, क्या रेट है फिक्स? 5.5। 5.5 लाख। इसके बाद देखेंगे आगे, ये कौन सी है? टाटा अल्ट्रा T7 14 फिट, 4.5 टन पासिंग, और ये है 2019 मॉडल। 19 मॉडल कितना चला होगा? ये चला है 1 लाख। 1 लाख क्या डिमांड रखे हैं? नया फिटनेस इंश्योरेंस हो गया है, इसका है 9.5 लाख। 9.5 लाख में छोड़ेंगे। कितना नंबर फिट है बोले? 14 फिट। 14 फिट का। इसके बाद ये कौन सी है? ये है टाटा की अल्ट्रा 15-18, ये 22 फिट डाला है, CG12 कोरबा पासिंग है, अपने को नया फिटनेस इंश्योरेंस करके 6 टायर नए लगा के अपने को 14 लाख की पड़ेगी। 14 लाख के कितना चल गया होगा? देखना पड़ेगा, 2.5 लाख तक चला है। अच्छा, 2.5 लाख तक चला है। इसमें टायर के साइज क्या रहते होंगे भी? 9-20 के। इसमें चला 1,70,000। 70,000 करीब। बाकी ये पासिंग कहाँ का है अपना? पासिंग ये है कोरबा, कोरबा पासिंग में। इसके बाद देखेंगे आगे, ये कौन सी है? अशोक लेलैंड। ये है अपनी अशोक लेलैंड की 2019 मॉडल, 12 टन पासिंग, CG04 रायपुर पेपर ओके हैं इसमें ऑलरेडी,
अपने को 6 टायर नए लगा के ये पड़ेगी 14.5 लाख। 14.5 लाख कितना चल गया होगा? ये चला है 86,000। 86,000 पासिंग यही रायपुर बताया। जी 04। ये कितने फीट का बताया? 20 फीट। 20 फीट का। अभी आपके पास डीजे वाली नहीं आ रही क्या? बहुत डिमांड रहता था डीजे का। बावन बावन आईस्टार ये सब डीजे में ही चलती है। 207 दो योद्धा। इसके बाद है आईसर का है एक 11-10। 24 फीट 11-10। ये 7.5 टन पासिंग है। इसमें अगस्त तक का इंश्योरेंस है, फिटनेस वैलिड है। अपना इसमें 1,73,000-74,000 किलोमीटर चली है। फर्स्ट ओनर है। ये अपने को पड़ेगी 11.5 लाख। मॉडल कौन सा बता? 2018 18 की मॉडल। रेट बोले और 11.5 लाख। 11.5 लाख। इसके बाद है ये है अपनी लास्ट 2021 मॉडल और टाटा इंट्रा। 29,000 किलोमीटर चली है। नया इंश्योरेंस है, 1 साल का फिटनेस वैलिड है। अपने को ये पड़ेगी 6.5 लाख। 6.25 लाख। 6.25 लाख पूरा ओके है, कुछ खर्चा नहीं। आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी बताइए। 9819613553। अच्छा, ये व्हाट्सएप भी है यही? अच्छा, और है गाड़ियाँ भी आने की? है 3 गाड़ियाँ। हाँ, उठाए हैं लेकिन अभी आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आपको सौरभ भैया के थ्रू इतने सारे ट्रक्स दिखाए, यहाँ तक 407 दिखाया, SML दिखाया, SR दिखाया, सर लेलैंड, हर एक कंपनी का मैंने ट्रक दिखाया। तो आपको जो भी चाहिए होगा आप डायरेक्ट कॉल कीजिए भैया को। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्या हो सके कि जिसको भी लेना होगा वो यहाँ से ले पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।